नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिकित्सा तत्व विज्ञान में। दोस्तों पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है और अनदेखी की तो खतरनाक रूप ले सकती है पाइल्स की बीमारी। मेडिकल भाषा में इसे हेमराइड्स कहा जाता है। दोस्तों इस बीमारी में गुदा अर्थात जिसे हम एनस कहते हैं के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र और मलाशय जिसे हम रेक्टस कहते हैं के निचले हिस्से की सिराओं में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से एक अंदर और बाहर या किसी एक जगह मस्सी जैसी स्थिति बन जाती है जो कभी अंदर रहते हैं और कभी बाहर आ जाते हैं। इस स्थिति में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। यह दो तरह की होती है और नजरअंदाज करने पर गंभीर रूप ले सकती है। बवासीर दो तरह की होती है, वह खूनी बवासीर और वादी बवासीर। खूनी बवासीर जिसे पाइल्स कहते हैं उसमें खून आता रहता है लेकिन दर्द नहीं होता है, जबकि वादी बवासीर में पेट में कब्ज बन जाती है और पेट हमेशा ही खराब रहता है। यह बीमारी 45 से 65 साल के लोगों में काफी आम है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, आसान और बिल्कुल सस्ता इलाज बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप पाइल्स जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रयोग में आपको सिर्फ लेना है एक गिलास दूध। इस दूध को पहले गर्म करें अच्छी तरह से, फिर उसे ठंडा करें। यदि सर्दियों का मौसम है तो दूध तो ग्लास में ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो दूध जल्दी ग्लास में ठंडा नहीं होता है। उसके लिए आप दूध को एक थाली में डाल दीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। इतना ही ठंडा करना है कि जितना आप एक बार में पी सकें, बिल्कुल एकदम से पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही रहे। इसके बाद हल्का गुनगुना ही रहने पर उसमें आप एक नींबू निचोड़ दें, पूरी नींबू निचोड़ना है। मैं तो अभी नींबू नहीं निचोड़ रही क्योंकि मैंने यूज नहीं करना, मुझे उपयोग नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ हल्का गुनगुना ग्लास के दूध में एक नींबू पूरा निचोड़ करके तुरंत पी लें। आपको इसे खाली पेट ही पीना है और इसे पीने के बाद आपको एक घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसे आपको सिर्फ 3 दिन करने हैं या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। इसमें ही मैं आपको बताती हूँ कि परमानेंट आपकी पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कुछ और नहीं करना है। जहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ ऑपरेशन भी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। ऑपरेशन करवाने के बावजूद यह कुछ महीनों बाद या साल बाद यह दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऑपरेशन करवाने की बजाय इस घरेलू चीज का उपयोग करें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट द्वारा जरूर पूछें। मैं जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।